मैं स्ट्रोंगली कंडेम करदा जो हरियाणा की सरकार ने किसानां दे खिलाफ उन्होंने लाठीचार्ज गैस ते पानी की बिछाड़ा नाल जिहड़े पीसफुली पंजाब दे किसान दिल्ली अपनी मंगां नूं लैके अपनी भावना नूं दसन वास्ते मोदी साहब की सरकार दे खिलाफ मोदी साहब दे सरकार दे फैसलियां दे खिलाफ दिल्ली दा प्रोग्राम अज दित्ता गया सी। जिस तरीके नाल हरियाणा सरकार दा वतीरा रहा, जिस तरीके नाल हरियाणा सरकार ने धक्का कीता, जिस तरीके नाल उन्होंने लाठीचार्ज करता, ऐं लगता जिवें किसी दुश्मन नाल कीता होए। कि पंजाब दे किसान नूं कोई हक नहीं? कि पंजाब दा किसान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? कि हिंदुस्तान दे विच दिल्ली जाना मना है? आज दा दिन ओ दिन है, इतिहासिक दिन है, जदों देश दा कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी। ते कॉन्स्टिट्यूशन विच अज लिखा गया सी कि हर देशवासी नूं हक है अपनी आवाज़ चक्कन दा, अपने प्रोटेस्ट दे करदे तरीके दा। पर अज दे दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन दी धज्जियां उड़ाई है सेंटर दी सरकार ने। 1982 विच तुसी याद करो जदों पंजाब दे लोग दिल्ली प्रोटेस्ट करन चले सी, उदों भजन लाल ने एशियन गेम्स दिल्ली दी उदों दी सरकार कांग्रेस दी गांधी परिवार दे हुक्म ते पंजाब दे किसानां नाल और पंजाब दे लोकां नाल उदों धक्का कीता। उवें ही अज खट्टर साहब ने मोदी साहब के हुक्म ते पंजाब के किसान नाल धक्का कीता। मैनू हैरानी आउंदी है कि प्रोटेस्ट तो साडा पंजाब के किसानां दा दिल्ली नाल है, दिल्ली सरकार नाल। खट्टर साहब नूं इत्थे रोकण दी की लोड़ है? कि हरियाणे की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं तो चाहुंदा हरियाणे के मुख्यमंत्री नूं भी नाल जॉइन करना चाहिए है। हरियाणे के किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे, उन्होंने भी बड़ा धक्का हो रहा। अब मैं स्ट्रोंगली श्रोमणी अकाली दल किसानां दी सब तो वड्डी जथेबंदी, जे देश कहा जाए सब तो वड्डी जथेबंदी किसानां दी है। जिन्ना किसानी दी संघर्ष श्रोमणी अकाली दल ने किया है, हिंदुस्तान च किसी होर पार्टी का इतिहास एडा नहीं होगा। मैं अपने पिछले कई दिनों च मैं आप हर वर्कर नूं कहा कि अपने जिहड़ी किसान अंदोलन जिहड़ा चल रहा, वध तो वध चढ़ के उहदे च हिस्सा लो। जो किसी चीज़ की लोड़ होए वर्कर उत्थे उन्होंने भी हिस्सा लैके उत्थे हर चीज़ की लोड़ भी पूरा करन। तो जो मैं अज स्ट्रोंगली कंडेम करदा, जिहड़ा माड़ी गल है कि मोदी सरकार ने जिहड़ा हुण दूजा इकनोमिक ब्लॉकेड किया, मैं पुछना चाहुंदा कि किस की मंशा नाल किया है? तुसी पंजाब दी किसानी नाल भी हमला किया, हुण पंजाब दे व्यापारी नाल भी तुसी हमला करता, पंजाब दे लोकां नूं हर चीज़ तो ब्लॉकेट कर दिता, बैरीयर पंजाब दे नाल ऐं लाया जिवें पंजाब अपने देश का हिस्सा नहीं। कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कि पंजाब दी इंडस्ट्री हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कि पंजाब दे किसान ने देश नूं कंट्रीब्यूशन किया, उहदा कोई असर थोड़े दिल च नहीं है? ए राज चल रहा जिमें कि डिक्टेटरशिप का राज है। तो मैं श्रोमणी अकाली दल ने अपनी एमरजेंसी कोर कमेटी की मीटिंग परसों सदी है, तो असी स्ट्रोंगली कंडेम करते पार्टी तरफों, तो सारे वर्करों मैं अपील करता कि डट के सपोर्ट करो इस एजुटेशन की। सी मैं उ कहना केजरीवाल साहब न कि स्पष्ट आन जे किसान दे बिल हक शायद तो शरेआम उत्थे एक्ट करन, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली दे मुख्यमंत्री है, वो काफ़ी अजिंह चीज़ा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं जो चाहन। उन्होंने डबल गेम नहीं करना चाहता। मैं इस मौके किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता, मैं तो अपील करना चाहता सारे पार्टियों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कौनसी पार्टी है, कि यह मुद्दा किसानी का है, हर पार्टी दे विच किसान शामिल है। सो आपू पार्टी लैवल तो उत्ते उठ के आ सारी किसान की जी लड़ाई है वो हिस्सा लेना चाहिए। पर नरेंद्र मोदी जो डेमोक्रेसी का मतलब की है,
मतलब नहीं कि डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप विच तुसीं फैसले लै सकदे हो ते तुसीं कुछ मर्जी कर सकदे हो। डेमोक्रेसी का मतलब की है कि जे कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कोई गलत फैसला ले लिया, हर फैसले जो लिते जाते मतलब नहीं है कि सही है, कि सही सोच के लेते जाते बाद पता लगता कि वह गलत फैसले है। सो जे गलत फैसले है तो जे लोगों की भावना के खिलाफ कोई फैसला लिता गया है, अब फर्ज बनता है। मोदी साहब तुसी देश के प्रधानमंत्री हो, मैं बेनती करदा इस इशू ते किसानी दे इशू ते जिद करन दी लोड़ नहीं। जे गलती होगी फैसला एक्ट बनाउंदे मननी चाहीदी है, गलती होगी ते वापस फैसले लैके जो फीलिंग्स है जो किसान अंद आता है उहदे नाल ऐजा वर्तिया नहीं होना चाहिए जिहड़ा अज हरियाणा की सरकार कर रही है। तुहाडी किन्ना नूं JJP तो साढ़े नाल भाईवाल नहीं सी, वो तो पहले भी असी साडा इनैलो ना सी। किसानां दी जथेबंदी है कही जाती है, किसानां दी बंदी उन्हां नूं जो श्रोमणी अकाली दल ने फैसला लिता, जिवें असी कैबिनेट तो अस्तीफा दिता सरकार तो इंडिया टूडे, उन्हां नूं भी देखना चाहिए है, क्योंकि है तो आवाज़ किसानी की आवाज़ के सिर पर अज बने है ना, तो उन्होंने भी यह सोच के फैसला करना चाहिए। समा कोई लंच लुंच करता नहीं, आ समा समा लड़ाई लड़ता। श्री अकाल तख्त साहब जी के बयान से कोई मैं ना अपना सजेशन दे सकता है, ना कोई टिप्पणी कर सकता है। सारे वर्कर जिन्हें साढ़े है उन्हें ड्यूटी लाई है कि आप हिस्सा लो। दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को बेनती की है कि उत्थे लंगर की सेवा या होर कोई भी सेवा की लोड़ है जरूर वो हिस्सा दो, क्योंकि यह समुचे कौम का कॉज है, पंजाबियों का कॉज है। किसी को मेडिकल फैसिलिटी की भी लोड़ है, उत्थे भी मेडिकल वैनस भी असी डिस्पैच कीतियां जिथे जिथे किसान बैठे है, कोई कोई हादसा ना हो जाए या कुछ नुकसान ना हो जाए, मेडिकल टीम भी असी उत्थे भेजी है। असी मैं तुहानूं पहले भी कहा है किसान जथेबंदियों नूं असी फुल सपोर्ट डिकलेयर की है, जिमें जिमें किसान जथेबंदियां सानू हुक्म करनगियां, क्योंकि उन्हां दा मनसा मनसिक गल है, क्योंकि पोलिटिकल पोलिटिकल झंडे दे थले नहीं कैंपेन शुरू करना चाहते, क्योंकि सारे पार्टियां दे किसान कट्ठे है इस मुद्दे ते। सो असी जो हुक्म कहणगे साड़ी पार्टी जिमें जिमें सानू आदेश दिते जाओगे असी उहदे मगर लग के असी पूरी तरह पालना। सब तो दोगला रोड कैप्टन अमरिंदर सिंह दा रहा है, सही मनी ते कैप्टन अज मुख्यमंत्री सूबे दा है। आ मुख्यमंत्री मीन साडे पूरे सूबे दा नुमाइंदा है, साडा सारिआं दा मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री दा फर्ज है जे उहदे सूबे विच लोग परेशान है, उहदे लोक उहदे सूबे दे किसान परेशान है, उन्हें उस सूबे के पिछा किसानों फिक्र है कि साडा फ्यूचर अपना सेफ नहीं है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्थे जाके स्ट्रोंगली प्रोटेस्ट करने की लोड़ है। कैप्टन साहब कल क्योंकि वो तो आप चुप करके बह गए, किसानों किसान जथेबंदियों किसान बुजुर्गों किसान मावां सड़कों पर ला दिता डांगा खाण वास्ते, तो अपने पानी की बछाड़ों का सामना करने वास्ते आई कैप्टन उत्थे जाके आप प्रधानमंत्री ना मिलके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना मिलके उत्थे प्रेशर पाना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का प्रेशर बहुत वड्डा हुंदा है। जे एक सरकार का मुख्यमंत्री चाहे काफ़ी चीज़ा हल करा सकता है, पर जिहड़ा काम नहीं कर रहा, मीटिंग उन्होंने दिल्ली ना करनी चाहिए, उन्होंने प्रेशर पाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री है सूबे के, जे जोड़ पाए तो उन्हें उसे बहना भी चाहिए, उसे को हर चीज़ हर लिमिट से कैप्टन साहब जाना। खट्टर साहब ने पिछले कई दिनों तो जिन्हें किसान लीडरशिप से उत्थे सारे अरैसट कर लिया, उत्थे उन्होंने हर जिथे जगह किसान कट्ठे हो रहे थे उन्होंने उत्थे कोने ते पुलिस ला दी है। मैं श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े उत्थे वर्कर है तो मैं सारी किसान जिहड़े हरियाणे के किसान है मैं उन्होंने भी अपील करना चाहना है, आ लड़ाई किसानी की है, पंजाब ते हरियाणे दे किसान दी समस्या इक्को ही है। जे पंजाब दे किसान नूं MSP दा कोई समस्या आई है हरियाणे च भी होगी, UP च भी होगी। आ सारे इकट्ठे होके जिवें पंजाब दे किसानां ने आ जंग शुरू कीती है वड्डे पद्धर ते, मैं हरियाणे दी किसानी लीडरशिप नूं अपील करदा है, अक्रॉस पार्टी लाइन मैं अपील करदा है कि आ लड़ाई किसे पार्टी दी नहीं, आ किसानी दी लड़ाई है, आपां सारे इकट्ठे होके आ लड़ाई लड़ीए, जे इकट्ठे हो जाएंगे
सेंटर सरकार नूं झुकना ही पैना।